हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिटकॉइन से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी निकल कर आ रही है और उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आप यहां पर देख सकते हैं बिटकॉइन का जो प्राइस अभी चल रहा है लगभग दोस्तों ये 29 लाख चल रहा है और यहाँ पर जो प्राइस है 24 आवर्स में वो लगभग 0.32% गिरा हुआ है। लेकिन आप जानते ही हैं यहाँ पर प्राइस जो है वो कल से इंक्रीज हुआ था एलन मस्क के ट्वीट के कारण और यहाँ पर इसका प्राइस और इंक्रीज हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बाइनेंस के सीईओ का ट्वीट था जो लगभग यहां पर 4 मिनट पहले आया हुआ है। मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, 7 मिनट पहले का जो ट्वीट है लगातार इनके द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं। अगर आप यहां पर देखें तो 4 मिनट पहले एक इन्होंने ट्वीट किया, ईआई सेल्वेडोर्स परचेसिंग पावर विल इंक्रीज ओवर टाइम, कि ईआई सेल्वेडोर्स जो है वो पावर को परचेस करेगी माइनिंग करने के लिए बिटकॉइन की। आपको पता ही है ईआई सेल्वेडोर फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिसने यहाँ पर बिटकॉइन को एज अ लीगल घोषित कर दिया है और वहाँ पर बिल भी पास हो चुका है। उससे रिलेटेड एक न्यूज़ जो है वो इन्होंने यहाँ पर शेयर करी लगभग 7 मिनट पहले और वो आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहां पर देख सकते हैं ईआई सेल्वेडोर गवर्नमेंट डिस्कसिंग पेइंग सैलरीज इन बिटकॉइन, कि ईआई सेल्वेडोर की जो गवर्नमेंट है वो डिस्कस कर रही है कि वहां पर जितने भी नागरिक है जो जॉब कर रहे हैं उन्हें वो पे करे सैलरी एज अ बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन के रूप में वहां सैलरी दी जाए। आप यहां देख सकते हैं ईआई सेल्वेडोर्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल वेलफेयर सेज दैट द गवर्नमेंट इज करेंटली डिस्कसिंग वेदर कंपनी शुड पे सैलरीज इन बिटकॉइन। मतलब वहाँ पर ये विचार किया जा रहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जाती है वो अब बिटकॉइन के रूप में दी जाए, मतलब पैसों के रूप में नहीं दी जाए, एज अ पेमेंट जो है वो बिटकॉइन दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है बिटकॉइन से रिलेटेड, आप जानते ही हैं ईएल सेल्वेडोर में जब बिटकॉइन को लीगल किया गया था उसका थोड़ा सा असर वहाँ पर देखने को मिला था। बिकॉज रीज़न भी ये है दोस्तों कि ईएल सेल्वेडोर बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटी कंट्री है और आप जानते हैं इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा जो है उछाल नहीं आया था बिटकॉइन में, लेकिन एलन मस्क के सपोर्ट के कारण उछाल आ गया था। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, बिटकॉइन एक प्रकार से ऐसा कॉइन है जिसके आसपास दूसरे कॉइन्स जो है वो घूमते रहते हैं। मतलब बिटकॉइन का अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे जो कॉइन है उनका भी थोड़ा सा प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये एक अच्छी यहाँ पर पहल निकल कर आ रही है दोस्तों कि बिटकॉइन जो है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो चल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर आप देखिए कुछ और ट्वीट मैं आपको यहाँ पर इनके दिखाने की कोशिश करता हूँ। लगभग यहाँ इन्होंने 37 मिनट पहले एक ट्वीट किया था और इन्होंने में इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए 2010 में आई विश आई गॉट इन अर्लियर, मतलब ये विश कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर टेक करके लिखा है बिटकॉइन और बिटकॉइन का एक साइन दिया है कि 2010 में सोच रहे थे कि काश मैं इसे जल्दी ले लेता बिटकॉइन को, फिर 2012 में भी यही सोच रहे हैं कि काश मैं इसे और जल्दी ले लेता, 2013 में भी यही सोच रहे हैं, 14 में, 17 में, 19 में और 21 में भी, मतलब अभी भी यही सोच रहे हैं कि अभी मैं इसे ले लेता। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2030 में भी पहुंच जाओगे तो आप यही सोचोगे कि बिटकॉइन काश मैं पहले ले लेता, क्योंकि बिटकॉइन आने वाले समय में इनका कहना है कि बहुत आगे जाएगा। आप जानते हैं इन्हें बाइनेंस जो है दोस्तों दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्सचेंज है और उसी के ये सीईओ है और ये अरबपतियों की लिस्ट में भी आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एक जो पहले इन्होंने एक ट्वीट जो आया था मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 40 रैम करके जो ट्वीट किया है इन्होंने, ये भी ऑफिशियल अकाउंट है, पॉडकास्टर है ये दोस्तों। इन्होंने लगभग 14 आवर्स पहले एक ट्वीट किया था बिटकॉइन से रिलेटेड, बिटकॉइन को टेक किया था और यहाँ पर लिखा था 2010 में बिटकॉइन को कोई यूज़ नहीं करता था, 2012 में ओनली कंप्यूटर नीड्स यूज इट और 2013 में ओनली ड्रग डीलर्स यूज इट, ड्रग डीलर्स इसका यूज़ करते थे, 2014 में मनी लॉन्डरर्स यूज़ करते थे और 2017 में गैम्बलर्स यूज़ करते थे, 2019 में स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कम से कम लोग जो होते हैं वो यूज़ कर रहे थे, 2020 में स्मॉल कंपनीज़ यूज़ कर रही थी और 2021 में स्मॉल कंट्रीज़ यूज़ कर रही है। मतलब समझ जाइए स्मॉल कंट्री से मतलब एल सेल्वेडोर जो है अभी जिसने यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल घोषित किया और अब यहाँ पर उसके लिए पहल भी चल रही है कि आने वाले समय में वो पेमेंट के रूप में उसे यूज़ करे। तो ऐसा ही कहना है कि हो सकता है 2022 में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी उसे लेने लग जाए और उसे यूज़ करने लग जाए। तो जब आप सोचिए बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इसे यहाँ पर यूज़ करने लग जाएगी तो फिर बिटकॉइन का प्राइस कहाँ पर जाएगा। और जब दोस्तों इतने बड़े बड़े अरबपति लोग जो हैं वो बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे एलन मस्क हो गए और यहाँ पर आप देखिए सीधे मतलब जो बाइनेंस के सीईओ है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बिटकॉइन का प्राइस जो है मतलब क्रिप्टो करेंसी का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।